गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास फोर्थ पार्ट एक और पढ़ रहे थे, जिसका नाम क्या था? जब आलोकित कर लो। ओके, उस पे एक छोटी सी कविता दे रखी थी जिसमें ईश्वर को बताया गया था, ईश्वर के प्रभाव को व्यक्त किया गया था, चल अचल वस्तुओं को प्राण के उसकी सत्ता को स्वीकार किया गया था और शांति स्फूर्ति का भी स्रोत ईश्वर को ही माना गया। इस कविता में क्या बताया गया था? ईश्वर हमारे साथ हर रूप में है, हर जगह है, जैसे जल में, थल में, नभ में, पशु में, पक्षी में, पेड़ों के, दल में, आदि जगह का है। ईश्वर ने अपने आप को व्यक्त किया है। तो इस कविता को हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, उसके बाद हमने क्या किया था? कुछ शब्दार्थ पढ़े थे, वो भी हमारे कम्प्लीट हो गए। फिर कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर भी करे थे। ओके, जो आपको पीडीएफ के जरिए वर्क भेज दिया गया है, बातों बातों में ये भी हमारे कंप्लीट हो गए। आज हम क्या करेंगे? कलम की कवायद, जो हमारे बाकी रह गया था पिछले वीडियो में, वो आज हम कंप्लीट करेंगे। कलम की कवायद। तो सबसे पहले प्रश्न कौन सा दे रखा है? ईश्वर किसे प्रकाशित करता है? तो कविता में आपने पढ़ा होगा, ईश्वर किसे प्रकाशित करता है, ये रही हमारी कविता। तो बताइए, ईश्वर किसे प्रकाशित करता है? इसका उत्तर क्या होगा? प्रकाशित मतलब आलोकित। ईश्वर ने क्या किसे आलोकित किया है? इस जग को, हमारे जग को, संसार को क्या किया है? आलोकित किया है। जो इस कविता में बताया गया था, जैसे जल के रूप में, थल के रूप में, नभ के रूप में, तारों के रूप में, इन सब के रूप में क्या किया? ईश्वर ने हमारे जग को प्रकाशित कर दिया, जिसे हमारा जग आलोकित कर दिया। ओके, तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा? कि ईश्वर किसे प्रकाशित करता है? ईश्वर जग को प्रकाशित करता है। ओके, फिर है नंबर टू, संसार का पालन ईश्वर किस प्रकार करता है? तो ईश्वर संसार का पालन किस प्रकार करता है, वो भी इस कविता में दे रखा है। संसार का पालन किस प्रकार करता है ईश्वर? हमारे जग को आलोकित करके, किसको? जग को आलोकित करके हमारे संसार का पालन करता है। किस रूप में करता है? पेड़ों के रूप में भी करता है और जल के रूप में भी, थल के रूप में, इन सब के रूप में क्या करता है? हमारे जग को आलोकित करता है, प्रकाशित करता है। तो इससे क्या हुआ? हमारे जग का, संसार का पालन किया गया है। मेरा जग आलोकित कर दो के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं इस कविता में? मेरा जग आलोकित कर दो मतलब मेरे जग को क्या कर दो? प्रकाशित कर दो। इस कविता के माध्यम से कवि ने क्या कहा है कि जो थोड़ा कुछ शेष रखा तो मेरा जग आलोकित कर दो। तो ईश्वर ने किस किस रूप में हमारे जग को आलोकित किया, वो तो आपको पता ही है। सूर्य के रूप में भी किया, चंद्रमा के रूप में भी किया और तारों के रूप में भी हमारे जग को आलोकित किया, प्रकाशित किया। मुझ भी चेतन का स्वर भर के मेरा जग आलोकित कर दो मतलब मुझ भी क्या कर दो? चेतन का स्वर भर दो, जिससे क्या होगा? मेरा जग आलोकित हो जाएगा। जो अगर कुछ भी बाकी रहा है तो मुझ भी क्षेत्र का स्वर भर दो, जिससे मेरे जग में अगर कुछ बाकी रहा है तो उससे जग आलोकित हो जाएगा। तो मेरा जग आलोकित कर दो। ओके, ये तीनों प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए। फिर निम्न पंक्तियां जिनको पूरा करना है, ये पंक्तियां दे रखी है, इसको हमें पूरा करना है। कभी कभी कौन सी पंक्ति ली गई है वो हम देखेंगे। सबसे पहले कौन सी है? तो ये हो वे ताप तल वे, इसकी पंक्ति क्या होगी? तुम ही हो तेरा, तुम ही हो असंख्य तारों में, पशु पक्षी पेड़ों के तल वे, चेतन पर आलोकित कर दे। तो तुम ही कहा हो असंख्य तारों में, यह क्या आ जाएगा? तुम ही हो असंख्य तारों में मतलब अनगिनत तारों में। कौन है? ईश्वर को वहां भी व्यक्त किया गया है और कहा है किसके तल में है?
पशु पक्षी पेड़ों के तरवे, क्या होगा? पशु पक्षी पेड़ों के तरवे। हो गई ये पंक्ति हमारी कंप्लीट। कविता में दे रखी है, एक बार आपको बता देती हूँ, ये रहा। तू भी हो असंख्य तारों में, पशु पक्षी पेड़ों के तरवे। ये हमारी पंक्ति कंप्लीट हो गई। फिर है दूसरी पंक्ति, कौन सी है? कि से उठकर तो का पालन करते हो, कहाँ से उठकर? इसकी पंक्ति पूरी करेंगे हम, सागर की लहरों से उठकर। कहाँ से? सागर की लहरों से उठकर तो जग का पालन करते हो, किसका पालन करते हो? जग का। तो ये पंक्ति कहाँ दे रखी है? ये सागर की लहरों से उठकर तो जग का पालन करती हो, यह हमारी पंक्ति दे रखी थी जो आपने कंप्लीट कर दी। सागर की लहरों से उठकर तो जग का पालन करती हो, ये दोनों पंक्ति हमारी कंप्लीट हो गई। अब लास्ट कौन सी है? धरती के तल में रहकर तो ऊर्जा का सर्जन करते हो। ओके, ये पंक्ति भी दे रखी है, धरती के तल में रहकर तो ऊर्जा का सर्जन करते हो। धरती के तल में रहकर तो ऊर्जा का सर्जन करते हो, ये भी पंक्ति हमारी कंप्लीट हो गई। तारों में पशु पक्षी पेड़ों के तरवे, मतलब कहाँ कहाँ है ईश्वर? असंख्य तारों में भी है, पशु के पक्षी के सभी के रूप में कहाँ है ईश्वर को प्रकाशित किया गया है। सागर की लहरों से उठकर तुम जग का पालन करते हो, कहाँ से उठकर? सागर की लहरों से उठकर तुम जग का पालन करते हो। धरती के तल में रहकर तुम ऊर्जा का सर्जन करते हो। इतनी पंक्ति हमारी कंप्लीट हो गई। फिर अगला प्रश्न कौन सा दे रखा है? सुबह लिख लीजिए। ओके, तो इसको बिठाना है हमें। सूर्य, सूर्य का क्या होगा? क्या होगा सूर्य का? बनकर सूर्य प्रभा मंडल, तो क्या हो जाएगा सूर्य का? प्रभा मंडल। फिर है चंद्र, चंद्र धवल, तो इसकी पंक्ति कौन सी थी? चंद्र धवल। फिर है तारे, तारे क्या करते हैं? टिमटिमाते हैं, तो क्या आएगा? टिमटिमाना, क्या हो जाएगा तारे का? टिमटिमाना। फिर सागर, सागर क्या क्या हो जाएगा? लहर, सागर की लहरों से उठकर तुम ऊर्जा का सर्जन करते हो, ये पंक्ति आ गई आई थी। ओके, ये कंप्लीट हो गया। सूर्य का क्या होगा? प्रभा मंडल। चंद्र का धवल, तारे का टिमटिमाना और सागर का लहर। ओके, इसको लिख लीजिए, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। आज की वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार वापस रिवीजन करेंगे। सबसे पहले कलम की कवायद के 3 प्रश्न तो थे, वो आपको वर्क पे पीडीएफ के जरिए भेज दिया जाएगा। ओके, फिर थी हमारी कुछ पंक्तियां जो हमने कविता में भी देखी है और उसके उससे हमने पंक्तियां पूरी कर ली। फिर है सुमेलित कीजिए, मतलब जो अ और ब दोनों ऑप्शन दे रहे हैं, इन दोनों को क्या करना है? हमें सुमेलित करना है, मिलाना है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही करेंगे, बस आपको पीडीएफ के जरिए भेज दिया जाएगा। थैंक यू।